टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना मरीजों के इलाज के पैसे अस्पतालों की तरफ से इतने लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। बस कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हुआ कि 7-6 लाख का बिल परिवार वालों को थमा दिया जाता है। इसी तरह से इलाज के नाम पर ज़्यादा पैसे लेने के मामले में ठाणे स्थित घोड़बंदर रोड पर होरिजोन प्राइम अस्पताल की कोरोना मरीजों की इलाज के जो मान्यता दी गई थी, ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर डॉक्टर विपिन शर्मा ने इसे रद्द कर दिया है। यह मान्यता एक महीने के लिए रद्द की गई है। तब तक होरिजोन प्राइम अस्पताल में किसी भी कोरोना मरीज को एडमिट नहीं किया जाएगा। मनपा आयुक्त विपिन शर्मा ने बताया है कि शिकायत मिलने के बाद बिलों की ऑडिट की गई जिसमें बिल में काफ़ी गड़बड़ी पाई गई। करीब 6 लाख रुपए इलाज के नाम पर ज़्यादा लिया गया था। राज्य सरकार ने जो रेट जारी किए हैं उससे ज़्यादा पैसे हॉस्पिटल ने वसूले थे। मनपा आयुक्त विपिन शर्मा ने कार्रवाई करते हुए कोविड मरीजों के इलाज के लिए जो मान्यता दी गई थी उस मान्यता को एक महीने के लिए रद्द कर दिया गया है। वहीं इसी तरह की कार्रवाई से साबित हो रहा है कि कोरोना के इलाज के नाम पर आम जनता से अस्पताल कैसे पैसे लूट रहे हैं। जैसे आपको बोला मैंने कि हमें बहुत सी कंप्लेन आई थी, सम्मान नगर से उसे कंप्लेन आई, जनरल पब्लिक से कंप्लेन आई और हमने ऑडिटर वहाँ नियुक्त किया था, डेप्यूटी कलेक्टर और दूसरे मेन चीफ ऑडिटर। तो उन्होंने देखा कि हमने 57 पेशेंट का चेकिंग किया बिल का, तो उसमें 56 पेशेंट में अनियमितता आई। जितना राज्य शासन ने दिया है रेट उससे कहीं ज़्यादा पेशेंट से पैसा वसूला गया था। तो ये कंप्लेन के बारे में हमने इंक्वायरी करने के बाद उनको नोटिस भी दिया। नोटिस देने के बाद उनका कोई जवाब नहीं आया, तो उसके बाद हमने कार्रवाई की और उनका रजिस्ट्रेशन एक महीने के लिए कैंसिल किया है और जो कोविड का दर्जा है वो पूरी तरह से निकाल दिया है। अभी इसके आगे वो कोविड का एक भी पेशेंट एडमिट नहीं करेंगे। सर, और ऐसे कितने हॉस्पिटल पे कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि ऐसे और भी हॉस्पिटल से जिनके ऊपर आपके क्लाइंट स्क्वाड ने जैसे जैसे हमारे ऊपर कंप्लेन आएंगे हम उनकी शहनिशा करेंगे। हमारे ऑडिटर जाके वहाँ देख रहे हैं और कहीं अगर अनियमितता है तो हम उनको रिपोर्ट करेंगे और हम जरूर कार्रवाई करेंगे। हम चाहते हैं कि राज्य शासन के नियम से जो हमने हमको बिल देने का किया है तो उतना ही बिल लेना चाहिए और लोगों को सेवा देनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि कितना ही कोई भी मनमानी करे, ये बिल्कुल ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सहन नहीं करेगा। सर, वो किन चीज़ों में बिल ज़्यादा आकाते थे? वो सर पीपी किट, फिर डॉक्टर सर्विस, फिर और मेडिसिन्स में